तो एग्जाम्पल नंबर वन, सरफेस एनर्जी का एग्जाम्पल नंबर वन, आपको क्वेश्चन में ये आएगा कि आपके पास छोटे 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 ड्रॉप्स हैं, या एक सपोज चलो बड़ा ड्रॉप है, उल्टा करते हैं पहले, एक बड़ा ड्रॉप है, एक बड़े ड्रॉप को आपने एन छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर लिया और इसका रेडियस आर है, आर है। तो एक बड़ा ड्रॉप है, एक बड़े ड्रॉप को आपने छोटों में ड्रॉप कर दिया, ठीक। तो एक बड़े ड्रॉप को आपने छोटों में तोड़ दिया और ये लीक्विड के ड्रॉप्स हैं। तो तुम्हें अगर एक रेडियस पता है और तुम्हें दूसरा निकालना है, तो सबसे पहला काम वॉल्यूम को इक्वेट करना। तो वॉल्यूम कैसे इक्वेट करेंगे, 4/3 पाए आर क्यूब इज एन इन टू 4/3 पाए स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से ये कट जाएगा, तो कैपिटल आर की वैल्यू जो आएगी वो एन रेज टू पावर 1/3 इन टू स्मॉल आर आएगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, बता रहा हूं ठीक। वॉल्यूम अगर रेडियस निकालना तो आ गया, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में ये आएगा कि तुम्हारे पास क्योंकि बड़ा ड्रॉप है और तुमने उसको छोटों में तोड़ लिया, एक बात बताओ, तुम चलो क्लास लगाने आए, तुमने अपने घर में देखा एक बड़ा ड्रॉप पड़ा हुआ था पानी का, हाँ, एक प्लेट के ऊपर, तुमने सोचा चलो क्लास लगा के आता हूँ, शायद ये ड्रॉप छोटों में टूट जाए, क्या वो घर जाके टूटा हुआ मिलेगा, वैसे ही मिलेगा जैसा है। अपने आप भी कभी ड्रॉप टूटे हैं तो तुम्हें जाके ड्रॉप को तोड़ना पड़ेगा, हिट तो करना ही पड़ेगा। तो यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, उस ड्रॉप को तोड़ने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको ब्रेक करने का वर्क डन निकालो। और तुम्हें क्वेश्चन में सरफेस टेंशन गिवन होगी, तुम्हें गिवन होगी सरफेस टेंशन सिग्मा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो सरफेस टेंशन तो उसने दे दी और वर्क डन पूछ लिया। अभी मैंने आपको डेफिनेशन कराई सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली एक ही बात है, तो क्या डेफिनेशन थी, वर्क डन इन। अब देखो मैं आगे डेफिनेशन लिखूं, इससे पहले बस मुझे एक चीज बता दो, जब तक मैंने इसको ब्रेक नहीं किया तो बस ये बता दो, जब ब्रेक नहीं किया तो इसका एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इन सभी ड्रॉप्स का एरिया कितना है, एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से एन इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। बोलो कौन सा एरिया बड़ा निकलेगा, राइट वाला एरिया कि लेफ्ट वाला, या सेम है तो मैथ के सामने नहीं बोलना, मैथ के टीचर के सामने बिल्कुल नहीं बोलना, नाराज हो जाएगा। वॉल्यूम सेम है क्योंकि पानी अंदर भरा हुआ है, एरिया सेम नहीं होता। राइट वाला एरिया बड़ा है, तो इन सब का ड्रॉप्स का मिला के सरफेस एरिया बड़ा होएगा छोटे ड्रॉप से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरिया तुमने बढ़ा दिया, एरिया छोटा था तुमने एरिया तोड़ के बढ़ा दिया। तो क्या लिखें, वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, सरफेस एनर्जी की ये डेफिनेशन है, सरफेस एनर्जी टी के इक्वल है, सरफेस टेंशन के इक्वल है। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, वर्क डन अपॉन एरिया, पर लिखना पड़ेगा ना, मैंने वर्क डन क्या किया, इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और मेरे को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बोलो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है, एन इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, ये लो। तो ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर होगा। तो तुम मतलब ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू तो देगा, वो सिग्मा भी देगा, आर भी देगा, सब कुछ देगा, एन भी देगा, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, ये एक बार आपको देखना है इसमें। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, सिग्मा का मतलब वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तुम्हारा सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, ये नया है ये पुराना है, पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, देखो सिग्मा को, ये देखो सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ गया।
हाँ बिल्कुल, ये जनरल फॉर्मूला है, चाहो तो यहीं पे पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है ये। और सरफेस एनर्जी किसके इक्वल है? सरफेस टेंशन। बताता हूँ इसमें तो कर सकते हैं, ठीक है इसमें कर सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ऐसे लिख लो कोई बात नहीं ये लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक ही बात है, क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो कल को अगर प्रॉब्लम आए जिसमें बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में आपने तोड़ दिया और आपसे क्या पूछा, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो क्या स्टेप्स होंगे? समझ में आ रहा है? ऐसे करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में लिखो छोटे छोटे एन ड्रॉप्स हैं और वो बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल आर गिवन है और ऐसे एन ड्रॉप्स हैं तो बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया। अब बस मुझे ये बताओ, जब छोटे ड्रॉप कंबाइन हुए और बड़े ड्रॉप में बन गया तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ा? नहीं, अपने आप हो जाएंगे, बस तुम पास ले आओ, तुम सभी ड्रॉप्स को इकट्ठा कर दो, कुछ मत करना, देखना अपने आप ही जुड़ के बड़ा ड्रॉप बन जाएगा। तुमने क्या किया? कुछ भी ना किया, तुमने तो बस पास ला के रखा था। तो इस केस में तुम्हें वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, वो तो खींच लेगा, पानी पानी को खींच लेगा, पड़ोस के मॉलिक्यूल को भी खींच लेगा, बस कॉन्टैक्ट में ले आना, अपने आप ये बड़ा ड्रॉप बन जाएगा। तो इसमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इसमें क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। तो क्वेश्चन है, जब ये कंबाइन होंगे और बड़ा ड्रॉप बनेगा तो बोलो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? ये क्वेश्चन है। अगर बड़े को तोड़ना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, छोटे जुड़ के बड़ा बनेंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा फाइंड एनर्जी रिलीज, क्वेश्चन पूछने वाले समझदार है, चिंता क्यों कर रहे हो? तुमसे गलती से भी नहीं पूछेगा फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, तुमसे पूछेगा फाइंड एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि ऐसे केस में उसको पता है कि एनर्जी रिलीज होने वाली है। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो पहला रूल तो वही रहेगा कि जो वॉल्यूम है वो तो इक्वेट करना ही पड़ेगा, 4/3 πr³, स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 πR³, ये तो स्टेप बिल्कुल सेम ही है। तो n इंटू 1/3 इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये रिलेशन तो आना ही आना है बीच में। अब सरफेस टेंशन आपको गिवन होगी, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या लगाऊंगा मैं? यहां लगाऊंगा एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड इन इन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्या? सरफेस एरिया बोलो पहले कितना था? 4π r², अब कितना हो गया? 4π R² बोलो, मैंने एरिया को घटाया कि बढ़ाया? घटाया है ना, क्योंकि एरिया कम हो गया। तो एनर्जी रिलीज इन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें डिक्रीजिंग हो रहा है। जब हम एक बड़े ड्रॉप को तोड़ते हैं तो एरिया को बढ़ाते हैं, और जब हम छोटों को जोड़ते हैं तो एरिया घटाते हैं। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? बेसिक डेफिनेशन वही है, स्ट्रक्चर वही है सभी क्वेश्चन का। तो सिग्मा इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय एरिया की जगह क्या पुट करेंगे? एन 4π r² माइनस 4π R², यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालेंगे? एनर्जी रिलीज्ड। आपको ऐसा फील नहीं आ रहा? मेथड दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, बस समझ नेगेटिव भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने डिक्रीज बोल दिया ना यहां, तो फिर अपने आप ही बड़े में छोटा ही माइनस करना है। डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, उसमें इंक्रीज बोलना है, इसमें डिक्रीज, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, जितना वर्क डन है उतनी एनर्जी रिलीज्ड है। ठीक, तो आपकी बुक्स क्या करती हैं बता देता हूँ, आपकी बुक्स जितने भी आप सॉल्यूशन देखेंगे कहीं भी देखेंगे वो इतना बड़ा समझाती नहीं है, वो इस दोनों एग्जाम्पल को, ये जो मैंने लिखे हुए हैं दोनों के दोनों एग्जाम्पल को, बस इतनी सी जगह में समझा देती हैं, बस भाई इतनी स्पेस सफिशियंट है कहते हैं लिखने के लिए। अब ये दो एग्जाम्पल इस स्पेस में कैसे? ये देखो, वो लिखेंगी वर्क डन या एनर्जी रिलीज्ड इज सिग्मा इनटू डेल्टा एरिया, सही है ना? समझ में आया कैसे? बस एक लाइन में बात समझ में आ गई, यही तो किया उसमें। देखो
मैंने ऐसा किया, मैंने क्या यूज़ किया, एक स्टेप फालतू तो लिख देते हैं, मैंने ये यूज़ किया सिग्मा इज़ वर्क डन या एनर्जी रिलीज, कुछ नहीं एक ही बात है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सरफेस एरिया। डेफिनेशन यही है सरफेस एनर्जी की, सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी रिलीज बाय चेंज इन एरिया। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू डेल्टा। बस एक्चुअल में यही तो हो रहा है, वर्क डन इज सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया। वो देखो वहां भी एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया। तो आपकी बुक्स बिल्कुल सही हैं, वो एक लाइन में बस अपनी बात खत्म करेंगे, डन। बट समझ में आ रहा है कि हुआ क्या इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आज के बाद हम ये शॉर्टकट लगाएंगे, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, आपका सीधा आंसर वर्क डन का आ जाएगा। पास लाने में वो तो तुम चाहे अपने घर से लेके आओगे, वर्क डन काउंट नहीं होता मिलाने के दौरान। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन सुन लो, ध्यान से सुनना। इस पे आता है, वो कहेगा एन ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स बड़ा ड्रॉप बन गए, एनर्जी रिलीज कितनी है बताओ। तो तुम बता देना इतनी एनर्जी रिलीज है, ये स्टेप यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। फिर अगला बी पार्ट आएगा, जब ये एनर्जी रिलीज हुई इसने रिलीज करने से मना कर दिया, क्या मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा, अपने पास रखूंगा, अपने पास रखेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो जब भी ड्रॉप्स मिलेंगे वो कहेगा फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप। तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज तो आ गई, जो एनर्जी रिलीज है एक स्टेप और फालतू करेंगे, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वहां से डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। तो पहले आप एनर्जी रिलीज निकालेंगे, और अगर उसने पूछा राइज इन टेम्परेचर, अब मैं करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन, फाइंड राइज इन टेम्परेचर, तो ये जो एनर्जी रिलीज है इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर निकालें आंसर। दूसरा पार्ट ये आएगा कि एनर्जी रिलीज है और इससे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इस एनर्जी रिलीज से इसे भागना ही शुरू कर दिया, फाइंड इसकी वेलोसिटी। तो तुम क्या करोगे, जो भी एनर्जी रिलीज है इक्वल टू क्या करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वहां से वेलोसिटी निकाल देना ड्रॉप की आंसर। तुमसे दो क्वेश्चन पूछेगा, अगर तो डेल्टा टी पूछते हैं राइज इन टेम्परेचर, तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी कर देना, और अगर वेलोसिटी पूछता है तो एनर्जी रिलीज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का? ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है। मेथड क्लियर है यहाँ तक? ये देखो, इसको लगा के दिखाता हूँ, जो मैंने भी समझाया। मैं बुकलेट पे वापस चल रहा हूँ, बुकलेट में पहला एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अ लिक्विड ड्रॉप ब्रेक्स, और डायमीटर क्या लिक्विड ड्रॉप का, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी ब्रेक्स अप इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स, तो बड़ा ड्रॉप 27 ड्रॉप में टूट गया, टूट गया तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप तो टूटेगा नहीं। तो फाइंड रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी, जो मैं वर्क डन करूंगा वही चेंज इन एनर्जी, वही निकालनी है रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी, और सरफेस टेंशन इसमें टी है। तो रूल नंबर वन, जब बड़ा ड्रॉप छोटे में टूटेगा 27 में, वॉल्यूम इक्वेट करेंगे ताकि छोटे का रेडियस निकाल सकें। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो यहाँ से काट के ये आंसर आ गया और छोटे का रेडियस आ गया। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद क्या करना है, सरफेस टेंशन क्या होता है या सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी है चेंज एनर्जी बाय चेंज इन एरिया। एरिया कितना हो गया, 27 इंटू छोटे ड्रॉप का एरिया, और बड़े ड्रॉप का एरिया कितना है, 4π कैपिटल R2। क्या स्टेप क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गई, चेंज इन एनर्जी, आप सीधा लगा देते टी इंटू चेंज इन एरिया, एक ही बात है। तो यहां से आपके पास ये टर्म आ गई, पर प्रॉब्लम क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर स्मॉल आर तो गिवन नहीं, लेकिन स्मॉल आर निकाल चुके हैं, R/3 पुट कर दिया, और तुम्हें कैपिटल आर भी गिवन नहीं, तुम्हें बड़े ड्रॉप का डायमीटर गिवन है। तो कोई बात नहीं, तुम एंड में इस पूरे एक्सप्रेशन में रेडियस ऑफ बड़ा ड्रॉप क्या पुट करोगे, डायमीटर/2, यहां और यहां पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कैसे ऑप्शन या क्या आंसर आएंगे समझ में आता है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट यही रहेगा सब में जो मैंने सिखाया अभी आपको। तो समझ में आ रहा है कि क्या रूल है? सिर्फ यही नहीं, ये देखो क्वेश्चन है, एन ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन एस, ऑल ऑफ सेम रेडियस छोटा आर, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बन गए। अब कह रहे राइज इन टेम्परेचर, बोलो इसके इक्वल प्रूव करो कि राइज इन टेम्परेचर इसके इक्वल है।
डेल्टा टी बताओ। तो जब छोटे ड्रॉप बड़े ड्रॉप में बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। एनर्जी रिलीज निकाल लें, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें रेडियस किसका गिवन है, छोटे का गिवन है। बड़े का निकाल लें, पहले बड़े का वॉल्यूम एन इंटू छोटे का वॉल्यूम, सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई और यहाँ से एन की वैल्यू भी आ गई। फर्स्ट टूल क्लियर है वॉल्यूम इक्वेट करके। नेक्स्ट है, अब सरफेस टेंशन क्या होता है या सरफेस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज बाय चेंज इन एरिया, और ड्रॉप क्योंकि बड़ा ड्रॉप बने तो डिक्रीज इन एरिया, तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, एस इंटू डिक्रीज इन एरिया। तो इसके अंदर एस सरफेस टेंशन है, एरिया डिक्रीज कितना हुआ, एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर माइनस बड़े का एरिया कितना है, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, चेंज इन एरिया। अभी मैंने बोर्ड पर लिख के दिखाया था, सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, कोई डाउट इस, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये जो एनर्जी रिलीज्ड है इससे ही तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये जो एनर्जी रिलीज है मस्ट बी इक्वल टू क्या, एम सी डेल्टा थीटा, और आपको डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर निकालना है। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप एनर्जी रिलीज निकालते हैं तो ये तो आती है जूल में, और हीट किस में कैलकुलेट की जाती है, कैलोरीज में, और इसमें यूनिट में फर्क है, ये इसलिए पता लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या यूज किया हुआ है, जे, जे का मतलब क्या होता है, 4.2, कहीं ना कहीं यूनिट कन्वर्जन हुई है, तो ऑब्वियसली मैं ये मान लेता हूँ ये जूल है और ये कैलोरी है, ये बराबर नहीं हो सकते जूल और कैलोरी। एक काम करते हैं, जूल वाली टर्म को कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, बाय डिवाइडिंग इट बाय जे। इसको जे से डिवाइड करके जूल किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरीज में। तो अब दोनों कैलोरीज हो गए, आपको डेल्टा थीटा निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ से जो मास है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मास किसका है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर किसका इंक्रीज हुआ, छोटे ड्रॉप का कि बड़े ड्रॉप का, छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना, तो टेम्परेचर किसका इंक्रीज हुआ, बड़े ड्रॉप का, तो मास किसका है, बड़े ड्रॉप का, बड़े ड्रॉप का मास क्या है, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू बड़े ड्रॉप की डेंसिटी, पानी का बना हुआ ड्रॉप है तो डेंसिटी ऑफ वाटर, सही। अब पानी की डेंसिटी सीजीएस में 1 है, और स्पेसिफिक हीट शेयर केमिस्ट्री में की हो, सीजीएस के अंदर 1 होती है पानी लिक्विड की, वाटर की सुना हुआ है, हम करेंगे फिजिक्स में, ये भी 1 होती है, तो 1 और 1 पुट कर दो, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब नीचे ले आओ, तो ये डेल्टा थीटा आ गया। डेल्टा थीटा में काम करो, यहां से 4/4 कॉमन आ गया, 4/4 कैंसल, ये कैंसल हो गया। अब यहां देखो, 3s का 3s, j का j लिख दो, यहां पे एन आर स्क्वायर है, इसको कैपिटल आर क्यूब अंदर ले जाओ, डिवाइड कैपिटल आर क्यूब डिवाइड, तो यहां से ये स्टेप सीधा आ गया, कुछ नहीं किया, कैपिटल आर क्यूब इन दोनों से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो ऊपर निकाली थी वॉल्यूम से, आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब, तो यहां से कट गया, यहां से ये कट गया, जो प्रूव करना आंसर आ गया। ये आपको घर जाके एक बार ट्राई करना पड़ेगा, मैं होमवर्क दूंगा, आप रेफर करना इन स्टेप्स को, बट लेकिन जो फिजिक्स है वो यहां तक चल रही है, उसके बाद डेल्टा थीटा आपको मैथ से खुद प्रूव करना है। समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, कैसे करना है इसे सॉल्व, ठीक।